हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितेश, सर्किल बेस्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि IBPS PO 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और इसका अप्लाई डेट आज से ही खुल गया। आज का विंडो अप्लाई के लिए आज से ही खुल गया है और आखिरी डेट 21 अगस्त तक है। इस बार IBPS ने कुल 3049 वैकेंसी रिपोर्ट की है डिफरेंट बैंकों से और 6 बैंकों ने अभी तक अपनी कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, तो फर्दर वो रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IBPS PO की वैकेंसी आगे बढ़ सकती है। इसमें 6 बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, और आइए दिखा देते हैं आपको 6 बैंक है जिसने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2000 वैकेंसी दी है, आप देख सकते हैं। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी तक NR जो है वैकेंसी में दिया है, मतलब नॉट रिपोर्टेड। मतलब फर्दर वो रिपोर्ट कर सकते हैं। बैकलॉग भी अभी किसी बैंक ने नहीं दिया है। और बैंक ऑफ इंडिया ने 224 वैकेंसी रिपोर्ट की है, केनरा बैंक ने 500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2000, पंजाब नेशनल बैंक ने 200 और पंजाब एंड सिंध बैंक ने 125 वैकेंसी रिपोर्ट की है। टोटल 3049 वैकेंसी रिपोर्ट की है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए 462 SC के लिए, 234 ST के लिए, 829 OBC के लिए, 300 OBC EWS के लिए और अनरिजर्व 1224 वैकेंसी है। अब आइए बात कर लेते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न का IBPS PO का। तो जैसा कि बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कभी जस्ट ग्रेजुएशन हुआ होगा और वो पहली बार इस एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें अपने जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सभी बैंकों के प्रोबेशनरी ऑफिसर को रिक्रूट करने के लिए IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। IBPS PO का ये 13वां संस्करण है। IBPS PO 13 है ये। इसमें जो है एज पर नोटिफिकेशन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो सितंबर अक्टूबर में होना टेंटेटिव है, मेंस आपका नवंबर 2023 में, और अगर प्री और मेंस आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको जनवरी फरवरी 2024 में बुलाया जाएगा और 1 अप्रैल 2024 को एज पर शेड्यूल्ड बाय IBPS आपका रिजल्ट आ जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम आपका 20 साल उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। अगर आप SC हैं तो 5 साल का, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 3 साल का, पर्सन विद डिजेबिलिटी हैं तो 10 ईयर्स का, एक्स सर्विस मैन है और उसमें भी अलग अलग है, वो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन उनको भी मिलता है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो आपका जन्म 2 अगस्त 1993 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो इस के बीच में अगर आप हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, मेंस के साथ डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर इंटरव्यू। प्री का पैटर्न है कि इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के 100 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 35 रीजनिंग के, कुल मिला के 60 मिनट होता है, 20-20 मिनट हर सेक्शन में डिवाइडेड होता है। और मेंस जो है अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस जो है वो 3 घंटे का होता है और 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें भी सेक्शनल वाइज टाइमिंग और क्वेश्चन डिवाइडेड है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के और 60 मिनट टाइम इसमें होता है।
जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी और बैंकिंग का 40 क्वेश्चन होता है 40 नंबर का, और समय होता है 35 मिनट। इंग्लिश का 35 क्वेश्चन होता है 40 मार्क्स का, और 40 मिनट समय होता है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन का 35 क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स का, 45 मिनट समय होता है। तो कुल मिला के 155 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का, और 3 आवर समय होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका लेटर राइटिंग और ऐसे होगा, दो क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और 30 मिनट आपका समय होगा। जब आप ये दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और इंटरव्यू भी आपका जो है वो एज पर IBPS शेड्यूल है वो जनवरी और फरवरी में कराया जाएगा। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और टोटल जो रेशियो लिया जाता है वो मेंस का 80 और इंटरव्यू का 20, 80:20 के रेशियो में फिर फाइनल कटअप बनाया जाता है। ये तो थी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात। वैकेंसी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप सभी कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक बार नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ें। फ़ी कितना लगेगा, तो 175 SC ST PW कैंडिडेट के लिए, और 850 जो है वो ऑल अदर कैंडिडेट के लिए लगेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न था, ये सारी बातें थी एग्ज़ाम के बारे में। अलग अलग सेंटर है, आप अपने स्टेट के हिसाब से सेंटर को चूज कर सकते हैं, और अपने कन्वीनियंट के अनुसार भी चूज कर सकते हैं। अब आपको मैं कटअप दिखा देना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल का कटअप क्या रहा है प्री और मेंस का। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि 21 में जो है जनरल के लिए 50.5 कटअप रहा था प्री का, और 22 में 49.75। तो ये कटअप के बारे में ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि कटअप जो है वो क्वेश्चन के लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट के अनुसार डिसाइड होता है। अगर क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट से हार्ड रहा तो कटअप नीचे जाएगा, और अगर इजी रहा तो कटअप हाई जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहता है, तो क्वेश्चन का वो जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो मॉडरेट टू हाई रहता है अधिकांशतः। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, इसी रेंज में रहेगा। तो आप कटअप को ध्यान में ना रख के अपने तैयारी को ध्यान में रखें, और अगर आपका रीजनिंग मैथ और इंग्लिश तीनों में तैयारी अच्छी है तो प्री आप बस क्वेश्चन को समझ के और इस तरह से सॉल्व करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो इससे क्या होगा कि आप आसानी से प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। और मेंस में आप देख सकते हैं 21 में टोटल 225 नंबर में जनरल के लिए 80.75 कटअप गया था, OBC के लिए 75.75, SC के लिए 65.5, और फिर 22 में आप देख सकते हैं 71.25, OBC के लिए 69.75, SC के लिए 59.25। ये कटअप मेंस का एकदम का पैटर्न ही अलग होता है, वो बहुत ही मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। उसमें आप पेशेंस आपके साथ पास होना चाहिए, साथ ही साथ आप उन क्वेश्चनों को टैकल करने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। तो तैयारी आपको अभी से ही मेंस के और प्री मेंस को दोनों को ध्यान में रखते हुए करना है, तभी आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस संदर्भ में कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।